नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासूब रिजवी और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपको हम बता दें, तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव हुआ और सिवान के 2 प्रखंडों में चुनाव हुआ। आपको हम बता दें, हुसैनगंज प्रखंड और हसनपुरा प्रखंड। हुसैनगंज प्रखंड में 15 पंचायतों की 192 बूथों पर चुनाव हुआ। हसनपुरा की अगर बात करें तो हसनपुरा में 12 पंचायतों के 171 बूथ पर चुनाव हुआ। आज की अगर बात करें तो आज परिणाम आना था और बहुत सारे परिणाम निकल भी चुके हैं और आपको जानकारी भी होगी। सही मायने में आज काउंटिंग होनी थी और आज ये फैसला होना था कि किसके सर पे जीत का सेहरा किस पंचायत से जाता है। बताने की कोशिश करते हैं, हुसैनगंज के छपिया बुजुर्ग पंचायत में आरती कुमारी ने मुखिया सीट पर अपना कब्जा जमाया है। इसके अलावा अगर बात करें, हुसैनगंज के रसूलपुर पंचायत के मुखिया पद पर नीलम कुमारी ने 1196 वोट इन्हें मिला है और मुखिया सीट पर नीलम कुमारी। हुसैनगंज की अगर बात करें हबीब नगर बीडीसी के लिए, तो इस पद पर बिजयंती देवी ने बीडीसी पद पर अपना कब्जा जमाया है। हुसैनगंज के हबीब नगर पंचायत के मुखिया पद पर बात अगर करें तो यहां हरे राम यादव ने अपना कब्जा जमाया है और जीत का सेहरा हरे राम यादव के सर पे बंधा है। हुसैनगंज के छाता पंचायत में काफ़ी दिलचस्प चुनाव रहा है और छाता पंचायत में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली है, लेकिन आखिरकार एक बार फिर से देर शाम तक ये निकल के आया कि नीतीश कुमार फिर से एक बार छाता पंचायत के मुखिया। तो काफ़ी कांटे की टक्कर रही, गहमा गहमी हमें छाता पंचायत में देखने को मिला, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार जो कि वर्तमान मुखिया थे, उन नीतीश कुमार ही बने हैं। नीतीश कुमार के सर पे जीत का सेहरा सजा। इसके अलावा आपको हम बताएं, हुसैनगंज के छाता पंचायत से बीडीसी के लिए, तो यहाँ अरशद जी ने बीडीसी सीट पर अपना कब्जा जमाया है। हसनपुरा के प्याउर पंचायत से मुखिया पद के लिए सबसे युवा मुखिया जो बना वो इम्तियाज़ अहमद, ये प्याऊर से, हसनपुरा प्रखंड के प्याऊर पंचायत से इम्तियाज़ अहमद ने अपना कब्जा जमाया है और जीत का सेहरा इम्तियाज़ अहमद के सर पे बंधा है। हसनपुरा के सहुली पंचायत की बात करें तो यहाँ इंदिरा देवी ने मुखिया पद पर अपना कब्जा जमाया है। 146 वोटों से चुनाव इन्होंने जीता है इंदिरा देवी ने। तो सहुली पंचायत में इंदिरा देवी ने अपना कब्जा जमाया है। सैनगंज के प्रतापपुर का मैंने हाल आपको दिखाया भी, प्रतापपुर भी काफ़ी हॉट सीट रहा है और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का गांव रहा है, ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है प्रतापपुर। यहाँ से मेहनाज परवीन ने कुर्सी पर, मुखिया कुर्सी पर अपना जीत का सेहरा उनके सर पर, मेहनाज परवीन के सर पर प्रतापपुर के मुखिया पद का सेहरा इनके सर पर सजा है। हसनपुरा की अगर बात करें, हसनपुरा के तेलकथू की, तो यहां से मुखिया पद पर सुरेश महतो ने अपना कब्जा जमाया है। 153 वोटों से इन्होंने राजेश ठाकुर को हराया है। हुसैनगंज के प्रतापपुर से बीडीसी पद पर बीनू देवी ने अपना कब्जा जमाया है। हसनपुरा के फलपुरा पंचायत के मुखिया पद पर विपिन सिंह ने अपना कब्जा जमाया है। इन्हें अगर बात करें तो 1680 वोट मिले थे। हसनपुरा के मद्रापाली पंचायत से मुखिया पद पर अनिल राम ने अपना कब्जा जमाया है। हुसैनगंज के मड़कन पंचायत से मुखिया पद के लिए रितु कुमारी ने अपना कब्जा जमाया है। हुसैनगंज के मचकना पंचायत से मुखिया पद पर सुमित कुमार ने अपना कब्जा जमाया है और हसनपुरा के लहेजी पंचायत से मुखिया पद के लिए रीता देवी ने मुखिया कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया है और जीत का सेहरा लहेजी से रीता देवी के सर पे बंधा है। हसनपुरा प्रखंड के शेखपुरा पंचायत में मुखिया पद पर दूसरी बार डब्लू खान, हसनपुरा प्रखंड के शेखपुरा से डब्लू खान एक बार फिर से मुखिया की कुर्सी पर अपना उन्होंने कब्जा जमाया है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 की अगर बात करें तो अमृता देवी ने क्षेत्र संख्या 11 में अपना कब्जा जमाया है। इसके अलावा खरसंडा जो पंचायत है, यहाँ के मुखिया राम बाबू यादव को इन्होंने हराया है और खरसंडा पंचायत के मुखिया शफी अहमद के सर पे जीत का सेहरा सजा है। हुसैनगंज प्रखंड के हथौड़ा पंचायत में भी काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली, लेकिन आखिरकार एक बार फिर से जो विजय चौधरी वर्तमान मुखिया थे, फिर से उन्होंने मुखिया की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया है। और इसके अलावा आपको हम बताएं, क्षेत्र संख्या 12 में अनीता देवी ने अपना कब्जा जमाया है। हुसैनगंज प्रखंड के क्षेत्र संख्या 12 में जिला परिषद अनीता देवी ने अपना कब्जा जमाया है। साथ ही साथ आपको बताएं, सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के बड़लम पंचायत में सबिता देवी ने
जीत का सेहरा अपने सर पे बांधा है। तो ये जो जानकारी थी, सटीक जानकारी, अभी तक की जो जानकारी थी वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी बहुत सारे पंचायतों की काउंटिंग होनी बची हुई है और संभावना सूत्रों से अगर आपको बताएं, सूत्रों से जो जानकारी मिली है तो अभी देर रात तक काउंटिंग चलेगी और बहुत सारे ऐसे अभी पंचायत बचे हुए हैं जहां कांटे की टक्कर रही है, जहां उस पंचायत के बारे में बोला नहीं जा सकता है कि वहां किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। लेकिन ये देर रात तक ये जानकारी निकल के आएगी कि आखिर हर वो पंचायत में कौन से प्रत्याशी के सर पर जीत का सेहरा सजता है, किसके सर पर जीत का सेहरा जाता है। देर रात तक जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। लगातार हम सुबह से आपको एक एक जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे। सही मायने में आज वो दिन था, लगभग दोनों प्रखंडों के 2500 प्रत्याशियों का उनकी किस्मत आज ईवीएम और बैलेट के बीच में थी। बहुत सारे प्रत्याशियों का रिजल्ट निकल चुका है, अभी भी बहुत सारों का बाकी है। हम कोशिश करते रहेंगे, जानकारी जैसे ही निकलती है आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लगातार खबरों में, हम बने हुए हैं।